आज हम बनाएंगे खड़े मुर्गी बिरयानी। तो सबसे पहले हमें चार प्याज ले लेना है, उसे कट कर लेना है। हमें एक होल चिकन लेना है, इसे अच्छे से वॉश करके इसमें इस तरीके से कट लगा लेना है। अब लेंगे हम एक कप दही, इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा नींबू, और इसमें हम डालेंगे अब आधा पिंच फूड कलर, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करिए। यह हमारा बैटर तैयार है चिकन के मैरिनेशन के लिए। अभी हमें चिकन के ऊपर ये सारे बैटर को अच्छे से फैलाना है और इसे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। याद रखिए, हमें चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है, कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। अब इसे हमें पलट लेना है और पीछे भी इसे हमें अच्छी तरह से लगाना है, कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। ये हमने लिया है चार प्याज, दो कटे टमाटर, कुछ हरी मिर्च, और ये हमने प्याज का ब्रिस्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ खड़े गरम मसाले, और ये एक कप दही, लाल मिर्ची पाउडर एंड गरम मसाला। ये हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को हमने पीस लिया है। पैन में हमें तेल ले लेना है और उसमें हमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं। अब इसमें हमें जो हमने प्याज पीसा था हमें वो ऐड करना है, और इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही करना है हमें प्याज को। प्याज को ब्राउन होने के बाद हमें इसमें टमाटर भी ऐड करना है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, उसके बाद हमें थोड़ा चलाना है, फिर हमें उसमें एक कप दही ऐड करना है। टेस्ट के हिसाब से आपको उसमें नमक ऐड करना है, फिर हमें उसे थोड़ा ढक के थोड़ा सा उसे भूनना है, फिर हमें उसमें लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ऐड करना है, और इन सब चीज़ों को हमें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाना है, अच्छी तरह से भुनने तक। अब हमें एक गहरी पतीली में थोड़ा तेल डालना है और ये चिकन हमें उसी गहरी पतीली में शैलो फ्राई करना है। हमें चिकन को दोनों साइड से फ्राई करना है, बहुत संभाल के डालिएगा। जब इसका एक साइड ब्राउन हो जाए तो हमें इसे पलट लेना है, दूसरे साइड को भी हमें फ्राई कर लेना है। अब ये जो हमारे भुने हुए मसाले हैं इसे हमें उसी चिकन की पतीली में ऐड कर लेना है। 1 kg बासमती राइस मैंने भिगा लिया था, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। ये आधा कटोरी दूध, 2 ड्रॉप मैंने केवड़ा वाटर लिया, आधा पिंच मैंने इसमें फूड कलर लिया, इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पतीली में हम परत लगाएंगे, पहले हम चावल डालेंगे। गहरी पतीली लेनी है हमें, इसमें हम पहले चावल डालेंगे बराबर से, नीचे की पतीली हमें ना दिखे इस तरीके से चावल हमें डालना है ऊपर। ये देखिए हमारा जो चिकन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पहले फूड कलर डालेंगे, फिर हम इसमें ये अपने जो हमने ब्रिस्ता बनाया था हम वो ब्रिस्ता डालेंगे, फिर कटी हुई धनिया डालेंगे, कुछ पुदीने के पत्ते डालेंगे, और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे।
बिरयानी की दूसरी लेयर भी हमें इसी तरह से लगानी है। और हमें अभी चिकन को ऊपर रखना है और बीचों बीच रखना है हमें इसे, और बचे हुए चावलों को किनारे ऐड कर लेना है। चिकन के अंदर स्टफिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप बॉयल्ड पोटैटो या कैप्सिकम भी ले सकते हैं, इसके अंदर स्टफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दो बॉयल एग स्टफ किया है। ये देखिए मैंने किस तरीके से बॉयल एग्स अंदर स्टफ किया है। आप इसके अंदर कैप्सिकम या बॉयल पोटैटो भी स्टफ कर सकते हैं। अब इन सारे प्रोसेस के बाद हमें बिरयानी 20 मिनट के लिए दम पे रखना है। बिरयानी लो फ्लेम में हमें रखना है दम पे। तो लीजिए हमारी बिरयानी तैयार है। रेडी है हमारी होल चिकन बिरयानी। आप सब जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।